अभी हम लोग आ चुके हैं प्योर प्योर धाराई में। गुड मॉर्निंग ऑल एमएसकेंस, गुड मॉर्निंग हमारी हो रही है, गुड आफ्टरनून को। हेलो नमस्ते, वालेकुम वला मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय YouTube चैनल MSK। सुबह सुबह जो नींद खुलने वाली चाय होती है वो पी के हो गया है और यहाँ पर है शफीक आपके लिए मस्त मस्त फ्रूट्स लेके आए हैं सुबह सुबह। शफीक भी भागीदार है मेरे साथ फिटनेस में, ये भी पता नहीं इसका भी कुछ अलग ही सीन चल रहा है, कब ठीक होगा हमारा। कोशिश शायद जारी है, एक दिन कामयाब होंगे। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वाली की हार नहीं होती। यहाँ पर एप्पल, केला, स्ट्रॉबेरी, अंजीर एंड अंगूर, क्या बात है। पांच वैरायटी अपने पास है। गुड मॉर्निंग मजनू, तुझे भी खाना है? हाँ नहीं खाना है। कल बड़ी मेहनत से सारे कपड़े वॉशिंग मशीन ने धोए थे, हमने सिर्फ निकाल के सूखने में लगा दिए। यहाँ पर इस तरह से हमारे कपड़े सूखते हैं, ऊपर फैन होता है। अबे फैन बहुत गंदा है यार, फैन साफ कर देते क्या? क्या बोलता है? करते ना, कर देते हैं। फैन चालू होता है, हवा लगती है, मस्त रात भर कपड़े सूख जाते हैं। जो पैंट है मेरे ख्याल से, टी शर्ट तो सूख जाते हैं, सिर्फ जो पैंट है वो सूखते नहीं है। मेरे दो जीन्स मैंने डाले थे, जीन्स भी ऑलमोस्ट। अरे नीचे कौन है, ए कौन है ये? हेलो ले ला, बाकी एक दिन में पूरा सूख जाता है। क्या बोलता मजनू, सही बोल रहा हूँ? चल छोड़, तू तो बात ही नहीं करता है, तू है बेजुबा जानवर। लटक रहता ना, हाँ उसको खींचे नीचे खींच लेते, खींच लेते वो। जैसे इसका नाड़ा लटकेगा ना, इसका नाड़ा है कि नीचे, ये देख ये जो नाड़ा है ना, ये लोग खेलते हैं इससे, खींच के बाहर निकाल देते। हाँ क्या कहती हो भागनी? अभी हमें चाहिए घोड़ा। क्या चाहिए? घोड़ा। लिखा सो घोड़ा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग बम्बई वाले लोग हैं ना। अगर ये ऊंचे के हिसाब से घोड़ा बोलते हैं तो ऊंचे में होता है ऊंट, ऊंट होता है, जिराफ होता है, जिराफ होता है, तो अपन उसको ऊंट बोलेंगे, जिराफ बोलेंगे। इसलिए इंग्लिश बनाया गया है ना, क्योंकि हम लोगों ने हिंदी की, स्पेशली जो बम्बई वाले लोग है ना वो लोग हिंदी, मतलब हिंदी सबसे अच्छा पता कौन बोलते हैं? MP वाले, मध्य प्रदेश, UP, ये लोग अच्छा हिंदी बोलते हैं। सपोर्ट की जरूरत है? नहीं नहीं, ये गिरा तो। हाँ इतना गंदा। चलो सही है, अब कितना क्लीन लग रहा है। फैन में से जो कचरा निकला है वो यहाँ पर मोटे मोटे कचरा है। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि हमारे पास ना ये LED स्ट्रिप है जो कि काफ़ी लंबा है, और ये वाला जो है ये छोटा है, लेकिन ये सिर्फ इतना ही कवर करता है, और ये वाला जो है ये पूरा का पूरा वो कवर कर सकता है। जो भी हमने यहाँ पर ये फल्ली लगाए हुए हैं, जो भी हमने शेल्फ बनाए हैं, उस पर कवर हो सकता है। तो ट्राई करते हैं, देखते कैसा लगता है। इसको फुल झड़ी लाइट बोलते हैं, फुल झड़ी, फुल झड़ी लाइट। हाँ ठीक है भाई, हमें नाम भी नहीं पता है। देखिए जी कैसा लग रहा है। वैसे इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ नहीं से कुछ तो है। सारे कपड़े मैंने घड़ी कर दिए, बस इसको अभी रखना है अंदर। लेकिन उससे पहले एक ऑफिस से अर्जेंट कॉल आया है, जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हम लोग का जो घर का टाइल है ना वो है अंग्रेजों के ज़माने का, कतई गंदा लगता है। तो हम बहुत पहले से सोच रहे थे कि घर पे एक कारपेट लगवाते हैं, ताकि थोड़ा जो घर की सुंदरता है थोड़ा निखर के बाहर आए। तो आज फाइनली टाइम निकाल ही लिया, क्योंकि आज करने का कुछ था नहीं, तो सोचा कि चलो ये अबे खड़े हैं फिर भी लोग ऊपर से कचरा फेंक रहे, तो टाइम निकाल ही लिए जाने का, जाके देख के आते हैं। और सुनो, अगर इस बिल्डिंग से या सामने वाले की बिल्डिंग से कोई देख रहा होगा ना, प्लीज यार कचरा मत फेंको यार। शफीक ये कौन सी बाइक है? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस बाइक, लेजेंडरी बाइक, डिस्कवर 150। यहाँ पर अपना नाम भी है। अबे नाम तो दिखा नहीं दे, हर गाड़ी में अपना नाम होता है, इसमें भी अपना नाम है। एम्बुलेंस बाइक की सवारी हो रही है, चलो। अभी हम लोग आ चुके हैं प्योर प्योर धाराई में, देखो
एक टाइम था जब बचपन में हम लोग यहाँ पर आते थे, मतलब यहीं रहते थे, आते थे क्या थे। अब ये अल्लाह के करम से थोड़ा बहुत तरक्की हमने कर लिया तो धारा भी छोड़ के हम माइम वेस्ट चले गए। अजान हो रही है, बाद में बात करते हैं। इधर तो जूते उतारने पड़ेंगे यार। ये सारे कारपेट के ऑप्शंस हैं हमारे पास। शफीक तेरे को कौन सा पसंद है? ये वाला। अब ये तो मैंने सिलेक्ट किया था, तूने कौन सा बोला? वो शाइनी वाला। इसने ये बोला था, ये ज्यादा शाइन वाला। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये, क्योंकि ये जो है ये हमारे वॉल के साथ जाएगा, क्योंकि वॉल जो है वो लाइट कलर का, ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। आगे प्रहलाद भाई तुम क्या बोलते हो? सही है, ये भी ठीक है। सही है, चलो सही है। 105 रुपये किलो और लगाने का 6 रुपये स्क्वायर फीट। 6 रुपये स्क्वायर फीट, लगभग 10,000 तक जाएगा खर्चा। ये कुछ सैंपल्स हमने लिए हैं। अभी क्या है कि इसको घर पे जाके थोड़ा ऐसे वॉल पे लगा के देखेंगे कि कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, उसके बाद डिसीजन लेंगे। और कारीगर अभी है भी नहीं। कितना दिन लगेगा? 4 दिन लगेगा उसको। 4 दिन बाद देखो, ऐसे हम लोग यहाँ पर खरीद नहीं सकते। पहले कारीगर को बुलाएंगे और वो पूरा घर का माप लेगा, उसके बाद हम ऑर्डर देंगे। चल 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 मेरी धन्नो चल। बहुत दिनों बाद धारावी में, क्या बात है, एक धारावी का ब्लॉग बनाया जाएगा। क्या बोलता है धारावी की, धारावी की गलियों में एक ब्लॉग बनाते हैं, क्या बोलते हो? चाय पिला, चाय पिला, चाय किधर मिलेगी? धारावी की चाय पीनी अपने को। पहले मैं कैसा रहता था और अभी मैं कैसा रहता हूँ, बहुत फर्क है। अगर कोई पुराना हमारा सब्सक्राइबर होगा ना, उसको पता होगा कि पहले मेरे कमरे कैसे होते थे। अभी देखो, हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है, कपड़े धोए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें इम्प्रूव किया हूँ मैं। घर में पेड़ भी है, सब कुछ साफ रहता है, झाड़ू लगाते हैं, पोछा मारते हैं। अब बताए हमारे कुछ एमएसकेंस क्या बोलेंगे, भाई शादी कर लो, ये सब काम करना नहीं पड़ेगा। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि शादी के बाद काम नहीं करना पड़ेगा, आप लोग गलत सोचते हो। तो शादी हम इसलिए करते ताकि घर का काम सब औरतें करें, हैं? नहीं तो आ जा, अब चाय मत गिराना। कंटेंट के चक्कर में इसने चाय गिरा दिया था, और दिखाने के चक्कर में साफ भी कर दी। उधर अभी साफ किया हम लोगों ने, कितना सच्चाई लोग है। चाय की चुस्की, कपड़े पे गिरा मेरा रे। शिट, नीचे से टपक रहा था ये चाय, तूने गिराया ना, नीचे से टपक रहा था, वो मेरे रेड वाले टी शर्ट के पार्ट पे गिर गया। अच्छा हुआ यहाँ नहीं गिरा, नहीं तो दाग दिखता। नीचे से पूछ के देना चाहिए। चल ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है, कोई नहीं, चलो चाय की चुस्की इंजॉय करते हैं। थैंक यू। तेरे को क्या हो गया, तेरे को भी चाय चाहिए? मजनू का भी खेलने का मूड है। हाँ मजनू, किधर बाबा? ये भी बहुत मूडी है मेरी तरह, मूड करता है तो आता है, मूड करता है तो नहीं आता है। अभी इसका थोड़ा पैम्परिंग वाला मूड चल रहा है। ठीक है, कहीं मसाज, और ये मुझे मसाज देता है, मैं इसको मसाज देता हूँ। यहाँ यहाँ गर्दन के नीचे, फीलिंग गुड, ऑसम। चलो ठीक है, अभी इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और चाहिए? ये लोग टाइम पास है यार मेरा, जब घर पे रहता हूँ ना बहुत टाइम पास होता है इन लोगों के साथ, और जब ट्रैवल में करता हूँ ना इन लोगों को भी मिस करता हूँ। खेल के हो गया, अभी मस्त एकदम मेरे पैर पे टीका लगा के सो रहा है। ये है हमारे सैंपल के टुकड़े। ये कलर का दीवार है, ये कलर का दरवाजा है। शफीक तो ऐसा पकड़ के देख, अगर देखो ये हमारा फ्लोर है दादी अम्मा के जमाने का। देख अभी इसका कलर देख, इधर है मजनू, तेरी जरूरत है। ये सिमिलर है, ठीक है, मजनू का कलर है ये। और मजनू को देख अभी कारपेट पे, हाँ। अलग लग रहा है ना, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लग रहा है, ठीक है। उठ क्या रहा मजनू, मजनू हीरो दिख रहा है, मजनू दिख रहा है। ये जो सैंपल है ये लैला का, लैला किधर है? लैला बाहर है, लैला को पकड़ के ला। तो रुक थोड़ा, तो आपकी जरूरत है, मर्ज हो रही है, मर्ज हो गई। और अपना कारपेट जो है अगर हम ये कलर का लेते हैं, मर्ज हो जाएगा, ये मर्ज हो जाएगा। तो अपन लेंगे मजनू के कलर का, थोड़ा अलग दिखेगा, सही। तो ऑडियंस, पहले मैंने सोचा था ये कलर, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ ये कलर। आप कौन सा कलर सोच रहे हैं थोड़ा कमेंट करके बताइए, सजेशन आपके भी इंपॉर्टेंट है। और 4 दिन वैसे भी लगने वाला है, क्योंकि कारीगर को 4 दिन लगेगा ना। बढ़िया, थैंक यू मजनू। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से एक आइडिया शेयर किया था कि लैला मजनू को अपने साथ ट्रैवल पे लेके चलते हैं, लेकिन पहले नजदीक कहीं लेके जाएंगे, तो उसके लिए ना एक स्ट्रैप चाहिए, एक लीश चाहिए जो उनके चेस्ट को लगता है। तो मेरे को ये समझ में आया मेरे को, ये वाला। बट ना साइज देखना पड़ेगा, इसमें लिखा है ये डॉग के लिए है, बट अगर साइज बराबर रहा तो अपने लैला मजनू के लिए भी आ जाएंगे। अरे नहीं, 33 सेंटीमीटर। और इसके गले का साइज, गले का साइज इसका है 20, 33-20। खेलोगे? नेक का साइज है 20, एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल चाहिए अपने को। यहाँ पर सिर्फ स्मॉल है, एक स्मॉल वाला ऑर्डर करके देख लेते हैं। 7 मार्च को डिलीवरी देगा रे, उससे जल्दी डिलीवरी नहीं है क्या? पेट शॉप पे जाके आते हैं, पेट शॉप पे जाके आएंगे, है ना? इसको छोड़ देते हैं, पेट शॉप जाते हैं। आज का ब्लॉग अच्छा लगा है कि नहीं लगा? नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ कहना है क्या? नहीं, ये तो अपना है। हाँ, बेल आइकन दबा देना, घंटा फोड़ देना। और बस बाकी सब बढ़िया यार। Thank you for being a part of today. I'll see you soon in the next vlog. Bye bye, take care, khuda hafiz. Live your life, live your dream. Boom. LED नहीं, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? LED strip.
एलईडी स्ट्रिप ही हो गया।